गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, प्रीवियस क्लास में हमने टोरॉइड के बारे में डिस्कस किया था और टोरॉइड के द्वारा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, टोरॉइड से बाहर चुंबकीय क्षेत्र तथा टोरॉइड की जो हेलिक्स है उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिएगा, जो सोलेनोइड है और टोरॉइड है उसके आपको क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड दे रखा है सिलेबस में। इसका मीन्स क्या है कि इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आपको बस जो डेरिवेशन है वो याद रखनी है, न्यूमेरिकल नहीं करने हैं टोरॉइड के और सोलेनोइड के। अब आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो एक बार अगर हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात करें जहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कोई भी चार्ज क्यों रखा हुआ है किसी बिंदु पर, तो आपको पता है अगर ये चार्ज आवेश चाहे रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, दोनों केस में इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू इंटू ई के बराबर। यानी क्यू क्या होता है आवेश और ई क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी। क्लियर। यानी किसी भी आवेश को जब व्हेन एनी चार्ज प्लेस इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट्स मैग्नीट्यूड इज क्यू इंटू ई। वी नो दैट इफ चार्ज इज एट रेस्ट और मोशन इन बोथ केस इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। If charge is positive, then it move towards to the electric field. यदि चार्ज धनात्मक है तो वो चुंबक के है विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर क्या करता है, उसी दिशा में गति करता है। If charge is negative, then it move anti-parallel या opposite to the electric field. तो ये जो पार्ट है ये आपका फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक के। अब यहां पर हम बात करें कि किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है, तो ये तो आपको क्लियर होगा। अब देखिएगा, हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हमने किससे डिनोट किया है, बी से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और बी से डिनोट की जाती है। अब देखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक चार्ज रखा है क्यू और ये चार्ज अगर रेस्ट पर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो उस केस के दौरान उसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना होगा, जीरो होगा। यानी अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेबल है, रेस्ट में रखा हुआ है, मूविंग स्टेट में नहीं है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे और बात करेंगे। तो देखिएगा, यानी इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से किसी मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक ही चार्ज है वो एंटर कर रहा है, इस तरह से मान लेते हैं
ये चार्ज है क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो ये क्यू चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, कितने एंगल पर है, मान लेते हैं एंगल कितना है थीटा है, और इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कितनी है वी मीटर पर सेकेंड। यानी कोई भी चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स कितना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले ये जो चार्ज का पाथ है, चार्ज का जो पाथ है यानी जो वेलोसिटी पाथ है, इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो देखिएगा अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है थीटा के साथ जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, वी कोस थीटा, क्लियर। और इसका जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा हो जाएगा, वी साइन थीटा। यानी हमने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, कौन कौन से वे, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। यानी जो चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एंटर कर रहा था थीटा एंगल पर, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, वी कोस थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, वी साइन थीटा, क्लियर। अब देखिएगा कि जब भी कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसके लिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपको ऐसे लैंग्वेज लिखनी है, कंसीडर ए चार्ज क्यू एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी वी एट एंगल थीटा। यानी एक चार्ज क्यू है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वी है, ठीक है ना, मैंने यहां पर लिख दी है वी। अब देखिएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एज, यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाएगा, वो क्या, और वो फोर्स जो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, अब देखिएगा जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उनकी बात करते हैं, ठीक है। पहला इसके डिपेंड करता है फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जो फोर्स एफ है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होता है। इसका मीन क्या हुआ कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, यानी अगर एक कूलाम की जगह अगर हम दो कूलाम चार्ज यूज करेंगे या थ्री कूलाम चार्ज यूज करेंगे तो जो फोर्स है वो भी सेम रेशियो में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, चार्ज के, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स
डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर वो किस पर भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बी के भी प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? यानी एक तो चार्ज पर डिपेंड करता है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, ठीक है ना। थर्ड है वो किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, ओरिजोंटल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता है। यानी जो एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन टू ले दिया हमने और इक्वेशन थर्ड क्लियर। तो ये ध्यान रखना किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक उस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर, सेकेंड उस चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, और थर्ड इस पर डिपेंड करता है कि जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा हो, वर्टिकल हो सॉरी परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए सो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर हम तीनों इक्वेशन की बात करें तो यहां से एफ कितना हो जाएगा जो एफ प्रोपोर्शनल क्यू बी साइन थीटा। क्लियर? जब भी ये प्रोपोर्शनल सिंबल रखेगा तो हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट आ रहा है के क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां पर जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू कितनी है, एक है, ठीक है ना। ध्यान तो यहां से एफ बराबर क्या हो गया क्यू बी क्रॉस बी। देखिए बच्चों यहां पर वी क्रॉस बी आपको पता है कि जो साइन थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो लगने वाला फोर्स है वो वी और बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वी और बी तो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन जो फोर्स है वो भी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब फ्लेमिंग का रूल पढ़ाएंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या पाम रूल पढ़ाएंगे उसमें भी हम बताएंगे। तो देखिएगा ये क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब ये फोर्स है, सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट थे लोरेंज, इसलिए उसके नाम उन्होंने डिस्कवर किया था, किसने, लोरेंज ने, इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। दिस फोर्स ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। तो किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ये ध्यान रखना मैग्नेटिक वर्ड यूज करना, लोरेंज फोर्स अलग होता है और मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स अलग होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, किसी भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि किसी भी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो कितना होता है। क्लियर? यहां से नोट कर रहे हैं आपको सेम एज इट इज, ठीक है, इसको हम इक्वेशन को मान लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और थोड़ी बात करते हैं हम, इसको नोट कर लेना सेम एज इट इज पॉज करके, ठीक है।
अब देखिएगा बच्चों, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो आपको पता है टेस्ला होती है, ठीक है ना, कैसे ड्राइव होती है, दूसरी यूनिट कौन कौन सी होती है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए हमने निकाला है जो फोर्स है वो कितना होता है, क्यू वी क्रॉस पी। ये होता है किसी भी चार्ज पार्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इससे पहले एक मिनट ग्यारह आ गया, उसके बाद आपको इक्वेशन फोर क्या थी आपके पास से, या एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या होगा इसका वेक्टर। अब देखिएगा इसके अंदर एक दो केस और बात कर लेते हैं हम। केस फर्स्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो कहां पर रेस्ट है, रेस्ट का मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में देखिएगा देन एफ कितना हो जाएगा, एफ भी कितना हो जाएगा, जीरो। बी का मान जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ भी जीरो। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल रखा हुआ है, यानी रेस्ट पर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ए रेस्ट चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। सेकंड केस अगर हम बात करें, ध्यान रखना कि केवल मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगता है। अगर हम केस सेकंड की बात करें, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। पैरेलल करेगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल करेगा तो 180 डिग्री। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, उस केस में आपको पता है कि थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर वो एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो उस केस में साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, क्लियर। तीसरा अगर हम बात करें, अगर वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, यानी केस ध्यान रखिए अगर हम बात करें, इसको नोट नहीं करना, ठीक है ना। अगर हम केस थर्ड की बात करें, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा बच्चों। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब वो 90 डिग्री पर एंटर करता है, क्योंकि इस केस में साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ बराबर है क्यू वी, ये मैक्सिमम होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, क्लियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मूविंग चार्ज पर लगे हुए फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट की। यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा है तीनों केस, आप केस वन केस टू वन केस थ्री, ठीक है ना। अब देखिएगा, अभी आपने पढ़ा था कि जो एफ होता है वो कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर यहां से अगर हम बी की बात करें, बी कितना हो जाएगा, एफ क्यू वी साइन थीटा, क्लियर, डिवाइड कर। अब देखिएगा अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यहां से देखिएगा फोर्स की यूनिट क्या होती है,
न्यूटन अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। यानी साइन थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, यानी बी की यूनिट कितनी होगी न्यूटन कूलम पर मीटर पर सेकंड। और देखिएगा यहां से न्यूटन कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट, यानी एम्पियर कहलाता है, कूलम पर सेकंड ही क्या कहलाता है एम्पियर कहलाता है, और ये क्या हो गया मीटर। क्लियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, यही क्या कहलाता है टेस्ला। टेस्ला एक निकोला टेस्ला नाम से साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर उनके ओनर के साथ रखा गया है टेस्ला। तो यहाँ ये भी यूनिट सही है और टेस्ला भी सही है, और टेस्ला को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जो कैपिटल टी से। ये तो ऐसा यूनिट की बात होगी, कौन सी यूनिट है ये ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट होती है बोस, और वन बोस वो होती है 10^-4 टेस्ला, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है बोस होती है, और वन बोस कितना होता है 10^-4 टेस्ला। जो हमारी अर्थ है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग 1 बोस के बराबर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है ना। एक नेक्स्ट होता है लॉरेंट्ज़ फोर्स, उससे पहले देखिएगा हो गया। अगर हम डायमेंशन की बात करें, एक बार डायमेंशन को लिखते हैं, डायमेंशन किसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ बी, तो देखिएगा यहां से देखिएगा किसी भी यूनिट को आप यूज कर सकते हैं, चाहे इसको यूज कर लीजिए आप, चाहे इसको यूज कर लीजिए न्यूटन बी। न्यूटन किसकी डायमेंशन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है फोर्स की, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है मैं यहां लिखता हूं, सिंस बी इक्वल टू न्यूटन एम्पियर मीटर। क्लियर, अब देखिएगा हम न्यूटन की डायमेंशन लिख रहे हैं, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है एम वन एल वन टी माइनस वन एफ इक्वल टू एम ए। क्लियर, अपॉन करंट की डायमेंशन, ये तो ऑलरेडी क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, करंट की डायमेंशन कितनी होती है एम्पियर होती है, ठीक है। एम एम क्या होती है लेंथ मीटर में, ये होगी सी, एल सी क्या हो गया एल कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचा आपके पास एम वन टी माइनस टू एंड ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, एम वन टी माइनस टू एंड ए माइनस वन। क्लियर, नोट कर लेना इसको डायमेंशन को, देखो डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में जरूर आती है। अब देखिएगा इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज देखिए मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स तो क्या होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है व्हेन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फोर्स ऑन एनी चार्ज देन
नोन एज लोरेंजी फोर्स। तो डेफिनेशन से पता लग रहा है आपको कि अगर किसी भी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाइड है, एप्लीकेबल है, उस केस में जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, लोरेंज फोर्स। यानी एट है, एट लोरेंज फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक। यानी लोरेंज फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही क्या होते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल पर एप्लीकेबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, लोरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यू इंटू ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्यू वी इंटू बी, या क्यू ई बी साइन थीटा लिख सकते हो आप। तो यहां से एफ लोरेंज कितना हो गया, देखिएगा क्यू कॉमन हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई प्लस बी क्रॉस बी। ये कौन सा फोर्स कहलाता है, लोरेंज फोर्स। और बच्चों फोर्स साइन फोर्स अभी हो, लोरेंज हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ठीक है ना, सबके लिए अगर हम फोर्स की बात करें तो यूनिट क्या होगी उनकी, न्यूटन होगी। तो आज के लिए इतना ही, साथ साथ नोट करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल मैं अपलोड करूंगा उसमें अगर दिक्कत होती है तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।